हेलो बच्चों, कल हम तक हमने पढ़ा था गॉस के प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, यानी गॉस के प्रमेय जो गॉस ने बताया था वो प्रमेय कैसे उत्पत्त हुई, यानी उसकी हम प्रूविंग करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर ये बिंदु ओ है और इस पर कोई आवेश स्थित है। एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से बंद है। इस पृष्ठ का मान ले संपूर्ण क्षेत्रफल कैपिटल ए है और यहाँ इसके अंदर एक कोई प्लस आवेश क्यू है जो किसी बिंदु ओ पर स्थित है। इससे आर दूरी पर हम एक लघु पृष्ठ ले लेते हैं। इससे आर दूरी पर एक लघु पृष्ठ की कल्पना। इस लघु पृष्ठ द्वारा यहां पर जो बनने वाला घन कोण है इस घन को हम लिख रहे हैं डी ओमेगा। और ये जो लघु पृष्ठ है इसके इसको हम लिख रहे हैं इसका क्षेत्रफल डी। यहां से इसकी दूरी आर है। अगर यहां कोई बिंदु पी हम मान लेते हैं, इस पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है ई, इस दिशा में इसका कोण ये थीटा। तो पहले इसको हम मान लिख लेंगे। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध है। पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल डी ए सॉरी ए है, कैपिटल ए। पृष्ठ पर लघु भाग डी ए है जिसकी आवेश से दूरी आर है। यदि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लघु पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो तो लघु पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखें ये जो लघु पृष्ठ है इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से तो चूंकि डी फाई बी इक्वल टू ई इंटू डी ए, यह हुआ लघु पृष्ठ से गुजरने वाला। लेकिन हमें तो संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसका समाकलन कर दें पर डॉट पर जैसा है कॉस थीटा, इधर हो जाएगा फाई ई। अगर हम यहां से इसकी दूरी आर मानते हैं तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार इक्वल टू हमारा होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आवेश क्यू है और यहां से दूरी आर है, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। मान रखें आपका ये हो जाएगा
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर बी ए कॉस थीटा। ये कॉन्स्टेंट है, पूरे कॉन्स्टेंट को बाहर कर ले क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो गया डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं डी ओमेगा घन कोण, तो ये हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को हम लिख देंगे डी ओमेगा। अब डी ओमेगा यानी इसका समाकलन, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा ओमेगा इसका समाकलन ओमेगा। और किसी बंद पृष्ठ द्वारा कुल कोण घन कोण ओमेगा इक्वल टू हमने आपको लिखवाया है, तो ओमेगा इक्वल टू चुकी होता है फोर पाई बंद पृष्ठ, तो अब यहां पर हो जाएगा फोर पाई इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर पाई कैंसिल फाई इक्वल टू आपका हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया घन को क्या कहते हैं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। आप यहां पर नोट कर लेंगे, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं या कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हमारा फार्मूला एक होता है ई इंटू ए, या इसी को हम लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस के प्रमेय संबंधी कुछ नोट हम लिख लेंगे, पहला नंबर वन, अगर गॉस के प्रमेय में इसके अंदर का जो आवेश है वो क्या हो जाए शून्य, इसके अंदर कोई आवेश ना, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्यू का मान अगर जीरो रख दें ये पूरा कितना हो जाएगा जीरो। यानी पहली परिभाषा तो हमारी यही बन जाती है, नोट में हम यही लिखेंगे यदि गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश शून्य हो तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो पहले नंबर लिखें, यदि किसी गॉसियन पृष्ठ से बद्ध आवेश शून्य है तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें एक से ज्यादा आवेश रख दिए जाए प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर, यानी ढेर सारे आवेश अगर रखे जाए तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इससे बद्ध आवेशों के बीज गणती योग, यानी कहने का अर्थ यह हुआ जो प्लस में है क्यू वन प्लस में है माइनस में माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर जितने भी हैं इन सबके बीज गणती योग का
वन अपॉन एप्साइलन नॉट, ये आपका हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स दूसरा नंबर में। तो दूसरे नंबर में आप लिखेंगे यदि किसी गॉसियन पृष्ठ में कई आवेश उपस्थित हैं तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उन आवेशों की बीज गणितीय योग के वन अपॉन एप्साइलन नॉट गुना होता है। यदि आप इसको लिख लेंगे, फिगर बना लेते हैं, ये आपका हो गया तो दूसरे नंबर तक आप यहां लिख लेंगे। अब तीसरे नंबर बात करें तो देखें अगर ये कोई गॉसियन पृष्ठ है और इस गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं अगर बाहर की ओर निकल रही है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो धनात्मक होता है, और अगर वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं तो यहां पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक, यानी ये वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई ई धनात्मक होगा, इसके लिए जो फाई ई का मान होगा वो ऋणात्मक होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है, और वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर अगर आती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होता है। तो अगला नंबर आप लिख लेंगे किसी गॉसियन पृष्ठ, से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स का मान धनात्मक होता है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं गॉसियन पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। आप चाहे इस तरीके से बना के इसको समझ सकते हैं, अगर ये बाहर निकल रहे हैं तो यानी यहां पर क्या होगा, धनात्मक, ये अंदर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब यहां पे एक चीज और, अगला नंबर चाहे लिख लें, अगर किसी गॉसियन पृष्ठ में आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि जितनी बल रेखाएं आप प्रवेश करेंगी उतनी ही बल रेखाएं इससे बाहर निकल जाएंगी, यानी इस पृष्ठ पर। तो यहां पर इसका जो मान होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि ये यहां से वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही पृष्ठ में। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर फाई ई का जो मान होगा वो धनात्मक होगा, तो जितना यहां माइनस में होगा उतना ही यहां पर प्लस में होगा, इसलिए कुल फ्लक्स का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। तो अगला नंबर लिख ले, यदि आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उस आवेश के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ नहीं बंद पृष्ठ, से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। इस तरीके से इसको भी बना लें। तो आज की क्लास बस यहीं तक, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।